वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम की मंजूरी समेत 19 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। PIA के नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तकर्री की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। IPL मैचेस दिखाने पर पाबंदी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। सानिहा बल्दिया के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे के चश्मदीद गवाह अदालत में पेश कर दिया। चश्मदीद गवाह ने मरकजी मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। एनी शाहिद का कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बयान। कहा जुबैर चरिया ने अपनी जेब से थैलियां निकालकर गोदाम में मौजूद कपड़े पर फेंकी और आग लगने पर मुस्कुराता रहा। मुझे जान का खतरा था, इसलिए बैरून मुल्क चला गया। PTI रहनुमा अलीम खान एहतसाब अदालत में पेश। जुडिशियल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया। अलीम खान पर आमदन से ज्यादा 700 ऑफशोर कंपनी का इल्जाम है। LNG के साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अबासी नैब रावलपिंडी पहुंच गए। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगु में बोले, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिखे हैं, जवाब मौसूल हुए हैं, मिलने वाली तफसीलात आज नैब को पेश कर दूंगा। और वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर घर पर मुबैना डकैती के दौरान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। IG सिंध का नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली।